मैं क्या नाम है? अमोल। कुटला है तू? अरिफा है। तो भाटपुरी भाई नाम खोलूं। भाटपुरी क्या शराब बेचता है? नहीं शराब नहीं बेचता। अच्छा ये नंबर नहीं है? नहीं आगे अच्छा, भी पीछे नहीं। नंबर दिखाओ। नहीं। अच्छा इसका माल कहाँ है? बाकी का क्या है? क्या ये है? शराब कच्ची। ये देखिए ये तो सील पैक खबर खामगांव से। ये कच्ची शराब का मामला नजर नहीं आ रहा है, उसको ले आओ। इधर कौन है वो बंदा? बोला कौन बोलते दादा? हेलो नंदू नाम लिखा आ रहा है। कौन बोलते है? सेवन टू सेवन टू सेवन वन सिक्स जीरो समथिंग आपका नंबर है। गाड़ी से किया नहीं? चल ठीक है नॉर्मल बात करते। इसको सील कैसे? मैं भैया ये मोबाइल किसका है? अच्छा तुझे है क्या? हे बक तुझे कर रही मामला। ये मामला बड़ा डेंजर लग रहा है मुझे। ऑथेंटिक एसिड स्कॉच, ऑथेंटिक एसिड स्कॉच इसके अंदर उसमें कैन खाली यहाँ पहुंच गई है। इस माल का यहाँ पर जो है तो लोगों की जान से खिलवाड़ लग रहा है। लोगों की जान को धोखा खतरा। उसने देशी है, देशी की हम बनाते। बताओ पूछो पूछो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? अमूल दादा पिताजी का बोल के साथ में शराब का कारोबार कर रहा है। आरोपी है इसके पास का मोबाइल और ये 200 रुपए यहाँ इसके मिले थे। ये 200 तेरे? ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधीन ये मामला दे दिया है। मैं भी पुलिस मजबूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन की यहाँ पर गाड़ी पहुँची है और ये सब सामग्री जो है तो बरामद की जा रही है। लांडे साहब क्या नाम है? अमोल। कुटला है तू? अरिफा है। तो भाटपुरी भाई नाम खोलूं। भाटपुरी क्या शराब बेचता है? नहीं शराब नहीं बेचता। अच्छा ये क्या है? ये ऑयल है। अच्छा ये गाड़ी की बताओ? गाड़ी पे नंबर नहीं है? नहीं आगे भी अच्छा नहीं, पीछे नंबर दिखाओ। नहीं। अच्छा इसका माल कहाँ है? बाकी का क्या है? क्या माल क्या है? मतलब दारू है क्या? अच्छा गाड़ी स्टार्ट करके भागने के चक्कर में। ये है शराब कच्ची। ये देखिए ये इसमें भी शराब है। अरे ये देखिए ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये इंपीरियल ब्लू, ये तो सील पैक है। इंपीरियल ब्लू है। इसमें क्या है पता नहीं है। इसमें भी सब वही है। अच्छा पानी की बोतलें भी है। ये देखिए एक्वा का पानी है। ये इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। ये भी डेंजर आइटम है। ये शराब, ये कच्ची शराब का मामला नजर नहीं आ रहा है। खबर खामगांव से। ये कच्ची शराब का मामला नजर नहीं आ रहा है। ये तो पैक है। इसपे 160 रुपए लिखे है। दिखाइए खबर खामगांव से। उसको ले आओ। इधर कौन है वो बंदा? और इसमें क्या है? इसमें कुछ केमिकल है या शराब का कुछ बनने की चीज जैसी दिख रही है। अच्छा इसमें ये सब है। ये बिस्लरी की बोतल, ये खाली बोतल। और ले आओ उसको इधर ले आओ भाई। भाग रहा था क्या है? देखिए यहाँ से भाग रहा था। यहाँ की पब्लिक ने रोकी है। ये है वो बंदा। चला उधर वहाँ पर आओ। उसने देशी की पेटी लाई मैंने। हाँ ये भाई मेरे हाथ में। कौन ये? अच्छा गिट्टी खदान में माल रखा था मैंने। काय का माल? देशी दारू का। देशी दारू का। चलो आओ इधर आओ। बताओ तो कौन सी है? बताओ तो कैसी दारू? वो मेरी नहीं है, किसी की होंगी। आपकी भी देसी दारू कहाँ है? आपकी कहाँ है? उन्होंने सुपर दी की काबे। ये इल्जाम तराशी जो है ना पुलिस के सामने करना, नकली बनने की कोशिश मत करो। पूरी दुनिया आपको देख रही है, समझे ना। ये जो बता रहे ना जिन लोगों ने आपको पकड़ा है, यहाँ के स्थानीय खेत के और मकान इसके मालक है, मल्ले के मालक है ये लोग। आपको उन्होंने पकड़ा और आप बता रहे कि ये हमारे साथ में है, तो पुलिस बेवकूफ नहीं बनने वाली है? ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ वही उसको बता दो। ये अच्छा, फोन है उसका। यहाँ पर आओ। ये फोन है उसका। किसका फोन है? वो इसके साथ में जो था उठाओ। चालो रखो जी बोल। हेलो
हेलो हेलो, अरे ते आयता दिस रे। हाओ तेरे को फोन देजो। हे पत्रकार साहब, पत्रकार साहब ने बोला। कौन बोलते दादा? हेलो नंदू नाम लिखा आ रहा है, कौन बोलते है? सेवन टू सेवन टू सेवन वन सिक्स जीरो समथिंग आपका नंबर है और इनके पास में से ये कुछ तो भी शराब और आपका मामला दिख रहा है। आप कौन बोल रहे? अरे मैं उनका दोस्ती बोल रहा, मैं यहाँ का ही है। कहाँ से हो? यहाँ से चांदमारी से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश। गणेश, पूरा नाम बोलिए ना। मैं क्या बोल रहा? हाँ बोला ना। उनका क्या है तो गड़ी भाड़ी के आदमी थे, निस्तार करना था, दे देना था गाड़ी भाड़ी उनको। गाड़ी शराब की भरी हुई है ना उनकी। देखो अब मैं बताता हूँ आपको। इसके पास में क्या क्या है मटेरियल? ये इंपीरियल ब्लू की बॉटल्स है दारू की। मैकडावर कुछ तो भी लिखा हुआ है वो है। खाली खाली बिस्लरी है। हाँ आपका नाम क्या बताया आपने पूरा? नहीं नहीं जानते ना, हमने थोड़ी पकड़ा है यहाँ। हेलो, पत्रकार की जिम्मेदारी ये होती है कि पब्लिक अगर कहीं से फोन लगाती कि ऐसा ऐसा मामला हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है वहाँ पहुँचना। हाँ उस बुनियाद पर हम पहुँचे, पकड़ा हमने नहीं है, स्थानीय लोगों ने पकड़ा जिनके यहाँ मल्ले और खेत वगैरह जो काम करते हैं। हाँ तो आपका क्या कहना है इसमें? अच्छा कहाँ बैठे हैं अभी आप? अच्छा आपका नाम क्या बताया आपने? अरे भैया मैं सुभाष बोल रहा हूँ, ट्रैक्टर मैकेनिक मेरी ट्रैक्टर गैरेज से। अरे सर आपका सुभाष बोल रहे हैं तो नाम तो पूरा होगा आपका। सुभाष हाथ मारने से बात हो रही है भैया, तो आराम से पहले बात कर ले। क्या है एक मिनट ये बात करो इससे। आराम मन बोल रहे काय काय नहीं बोलते। हेलो हाँ आओ जाए तो कहीं यूं होगा तो दलित के दलित दे सको जा दो आता कहीं फायदा नहीं। हाँ आता कहीं फायदा नहीं, फोन नंबर कहीं फायदा नहीं। हाँ कहा था कोर्ट दो। बापा देखिए इसका डेयरिंग कितना है बंदे का, क्या आता तुम्ही येऊ नका, सध्या काही होत नाही, पाहून घेऊ आपण कशी काय केस चालणार कोर्ट मध्ये बघू काय काय। शाबाश है तुम्हारी हिम्मत की, लोगों की जान से खिलवाड़ करने के बाद आप ये बोल रहे हो कि आता आम्ही पाहून घेऊ कोर्ट मध्ये काय होते काय नाही। पुलिस सध्या पुलिस आलीच काय ते? नाही नाही कुठे आहे सध्या पुलिस? कुठे आहे? फोन लावला का तुम्ही? चला स्थानीय लोकांनी फोन लावलेला आहे पोलिसांनी, आम्ही पोहोचलो, पुलिस आतापर्यंत पोहोचली नाही। दुसरे होत नहीं तो लोगों की जान से खिलवाड़ करने का हक अधिकार कौन कौन ही दिला तुम्हें? देशी दारू है, फक्त दारू है। ये देशी आयत का देशी मंदी है, देशी मंदी है। तो इसको सील कैसा किया तूने? इसको सील कैसा किया? नहीं चल ठीक है नॉर्मल बात करते, इसको सील कैसे? कैमरा बंद। भैया कैमरा बंद कर रहा मेरा बाप। बंद बंद है तो चालू दिख रहा बंद। कहा जब वो बोल रहा तो तुम भी बंद कर दो जरा, बात को समझो यार, वो समझा रहा ना कोई चीज बता। अच्छा तुम मेरे मुंह भी मारेंगे कान पट्टी, तुम्हारा कैमरा भी चालू है। अब देख अब देख इसमें इसको सील कैसे करा ये बता। आता सही बात है। हाँ, बोल बोल। तुम्हारा कैमरा चालू, बोलना पड़ेगा मेरे को। हाँ बोलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी है कि नहीं? हाँ ऐसी है, हम ऐसी गर्म करके निकल दे। अच्छा इसको गर्म करके नहीं, अब वीडियो कैमरे में तो बना दे, अब तेरे पे केस होती नहीं होती, हम तेरे को कोशिश करेंगे साहब को बोल के भाई लंगड़ा आदमी है कैसा है क्या है। बंद करा दे चलवाएं कैमरा। साला बंद कर रहा हूं तुम्हें साथ साला। हां बोल, इसको गर्म करके डायरेक्ट निकाल दे, निकाल दे। फिर इसको देशी दारू भरते, उसके बाद बेचते। किसको बेचते? अरे खेड़े बाड़े भी बेचते हम। खेड़े बाड़े कितने लोग है तुम? सच्ची बोलना अपनी दोनों। एक ही आदमी हूँ मैं। तुझे सोबत किती आहे? तुझा फोन पण आला, आम्ही ने बघितलं। हाव मी अख्तर हाव, माझा फोन आला। सध्या तिकडे तिकडे कोण आहे तिथे कोण आहे आपले? बंद कॅमेरा भाव। अबा तुम्ही हात पर जोडतो तुम्हारा, कॅमेरा बंद करा ना, एक चालू आहे वो बोल रहा ना, एक पर चालू रहन दो। मला हे सांग कितने दिन से कर रहा? स्टार्टिंग 4-5 दिन हो गए फक्त। तजुर्बा अच्छा है तेरा। बाकी के लोग वो आश्रम के पास में है बोलते। कौन आता? मतलब फोन आला, फोन आला मले।
ये गर्म करके निकालता है, ये गर्म करके निकालता है और उसमें देशी दारू की पेटी लाते हैं दुकान से, देशी दारू दुकान की पेटी लेकर आता, तो देशी दारू फिर लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि देशी दारू, कलर डालने के बाद मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें कलर डालता, कौन सा कलर? जलेबी कलर। जलेबी का कलर, जलेबी के कलर से भी शराब बनती है और वो भी इम्पीरियल ब्लू। केमिकल 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 हाँ केमिकल पान टाकते है क्या? केमिकल नहीं लगा तो। अच्छा इकड़े एक एक मिनट आ जाए, इकड़े मैं खड़े आना, इकड़े मैं गोद में लेता हूँ, गोद में लेता ना, मैं देखो चलता है इतने ना, तू ले एक मिनट, एक मिनट पकड़ना हाथ, एक मिनट मैं फोन ना देखो। के माध्यम से ये बता, ये इसमें क्या है? देशी दारू है। हाँ। वो कहाँ से लाते हो? दुकान से खोल के बता इसको। हाँ। नहीं नहीं, उसमें अगर कुछ दूसरा आइटम रहेगा, मैं सांस लेकर मर गया कभी, तो आप खोल के दिखा देना। तू ला नहीं नहीं, मेरे हाथ से खोलूंगा तो कुछ हो जाएगा मेरे को। इसमें क्या है? अरे बेटा तू चालाक बहुत ज्यादा है, तू तो फेंक देगा पुलिस के आने तक। नहीं फेंकता हूँ। हाँ ठीक है, ये देखिए आप आ गया हो, पत्रकार साहब आप भी आ गया हो। ये देशी दारू ये बता रहे, देशी दारू है ना? हाँ भैया, ये देशी दारू है, और देशी दारू से जो है इंपीरियल ब्लू बनाता है, मैकडाल बनाता है। इसको सील कैसे लगाता है? गरम करके निकाल देना उधर। नहीं नहीं, इसको सील कैसे लगाता है तू? हाँ? इसको सील कैसे लगाता? इसको? हाँ इसको। ये मोबाइल किसका है? अच्छा तुझा है क्या? हे बक तुझे कनेक्ट किया। इसमें इसको सील कैसे लगाता है? ये सब सील लगाता है। हाँ इसके निकलता हूँ। अच्छा, पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। स्थानीय लोगों का फोन आया, बचाने का काम करूँ। क्या करूँ बता, तू लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा। मैं कौन होता बचाने वाला बता? देशी दारू नहीं है। अच्छा इसमें क्या है? ये आओ इधर आओ। अच्छा ओहो, ये तो बड़ा डेंजर मामला है, ये मामला बड़ा डेंजर रख रहा है मुझे। ऑथेंटिक एसिड स्कॉच, ऑथेंटिक एसिड स्कॉच, इसके अंदर उसमें कैन खाली है, वो कैन में नहीं कुछ है। कैन के अंदर नहीं, कैन में दूसरी है, उसमें नहीं है। इसमें क्या है जरा हम खोल के देखते हैं। इसमें भी शराब है, केमिकल की बदबू आ रही है। अभी क्या बताए, शराब ये बोतलें कहाँ से लाते? चोरी दुकान है। एक मिनट जरा बात करते हैं, पुलिस की गाड़ी चालू रखिए, चालू रखिए, चालू रखिए, पुलिस की गाड़ी भी आ गई है। और ये शराब का यहाँ पर बहुत बड़ा मामला, केमिकल का मामला चल रहा है, केमिकल से शराब बनाई जा रही है, नकली शराब बनाई जा रही है, एसेटिक ऑथेंटिक स्कॉच, जिससे इंपीरियल ब्लू। गाड़ी बताओ, गाड़ी बताओ, गाड़ी बताओ, गाड़ी बताओ। देखिए गाड़ी भी यहाँ पहुँच गई है, स्थानीय सिटी पुलिस स्टेशन की गाड़ी है, शिवाजी नगर की गाड़ी है, यहाँ पहुँच गई है। अधिकारी और कर्मचारी सब मौजूद है। और ये देशी दारू है, केमिकल से दारू बनाई जा रही है, और कितने लोग हैं इनके साथ में, वो भी सारी जानकारी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। जांच अधिकारी फिलहाल शिवाजी नगर से यहाँ आ चुके हैं। मोबाइल बना है,
अच्छा आइए बताइए, ये देखिए एक और गाड़ी है MH30 BM 1618, 16-18 नंबर की गाड़ी है, और एक गाड़ी है जो हैंडीकैप वाली गाड़ी है, इधर भी बताइए, और तीसरी गाड़ी कहाँ है? दो गाड़ियां है। देखिए ये साहब भी चेक कर रहे हैं कि ये इंपीरियल ब्लू का नकली ब्रांड, नकली माल का यहाँ पर जो है तो लोगों की जान से खिलवाड़, नकली दारू। क्या लग रहा है सर? केमिकल लग रहा है, लोगों की जान को धोखा, खतरा। उसमें देशी है, देशी की हम बनाते। बताओ, पूछो पूछो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देशी देशी की पेटी लाते हैं हम। हाँ हाँ, देशी की पेटी लाते हैं, नकली केमिकल डाल के जो है तो ये सब दारू बनाने का काम। ये एरिया कौन सा है? सरोदे क्या? मातनी के ऊपर और भैया जी आश्रम के बीच का ये एरिया सरोदे के नाम से कहलाता है। शायद यहाँ पर कुछ गिट्टी खदान वगैरह भी है। खबर खामगांव से ब्रेकिंग न्यूज में ये देखिए, समाज से जुड़ी वो खबर देखिए जो समाज में जहर घोलने का काम, जहर डालकर लोगों को शराब पिलाने का काम ये महोदय कर रहे हैं। नाम बोलते रहे आता तो तू घाटपुरी साहब आ रहे थे, वो दोनों तीनों बंदे लाए, फोन लगाने लगा। नंबर तेरा नाम बोलना। अमोल। अमोल दादा का पिताजी का बोल। सुभाष। सुभाष नाम सही सही बोला। है फोटो बता, ये गाड़ी की बता, फोटो बता, फोटो बता, ये बता भाई तेरे इसमें फोटो। बंदों ने भागने वाले को फोटो दिखा रहे थे। है क्या? नहीं, वो ट्रक वाले को निकाला। ये देखिए उसके साथ वाला, ये कहाँ था? ये भाग गया। तो ये यहाँ था क्या? फोटो कैसा आया आपका? इसको निकाले, भागते ट्रक वालों पे से निकाले। नाम ट्रू कॉलर से। अच्छा, उसके ट्रू कॉलर से निकाला गया। इसका नाम क्या है बाबू? नाम क्या है? तो फक्त डब्बा घेऊन आलो, त्याचं काहीच नाही। नाव काय आहे यांचं? हे सांगू नाही आला कोण काय काय नाव आहे दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव काय सांगतो? नाव सांगतो। इसकी भी होगी, ये कौन है, कहाँ से है, इसके साथ में शराब का कारोबार कर रहा है। व्हाट्सएप कर दो इसको। आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूँ जिससे लोगों की जान को खिलवाड़ हो गया। इधर से आइए और इनको दिखाइए। पहले ये घाटपुरी दिखा रहा था, फिर अंतरस दिखाया, ये एरिया की काफी मालूमात है, लेकिन ये रैकेट छोटा नहीं है, बड़ा रैकेट है। शायद ये पालतू राकोला की बात कर रहा है। बेलोरा तालुक का पातुर भी दिखा रहा है, कभी आकोला बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। घाटपुरी के हमारे जान पहचान के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि ये घाटपुरी का रहने वाला नहीं है, लेकिन जब इससे पूछे कि घाटपुरी में रहता कहाँ है, तो ये महोदय बता रहे हैं रेलवे स्टेशन के बाजू में। तो आप समझ जाइए कि ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है। गाड़ी तुझी है के रहो घर साहब, तुझी है के गाड़ी तुझे बाबा सी है, आई सी है, भाई सी है, भावसे नावाने काय नावाने तुझे भावसे नाव काय है? भावसे नाव नाव सांग ना दादा। अरे नाम बोलना बेटा, बोलंग ना तुझे करते गाड़ी बनवली होती मग काय? नाही नाही, बेवकूफ बना रहा है। सर सर चेक कर, उसमें देखो क्या है। अरे सील मिल सब है, लेबल फेबल कुमोड रैकेट है। क्या सील है? ओहो, ये बहुत बड़ा मामला बन रहा है भैया। ये वो ढक्कन है
जो सील पैक है ये, इससे मैंने पूछा है तरीका। देखिए ये मैकडॉवेल का सील पैक लाते कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। ये मिलता कहाँ, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसको ये बैठाते कैसा, मैंने तरीका पूछा है। ये गरम करके वो डालते है। ओहो, ये हो गया आइटम एक जो सील पैक करने वाला है। रॉयल स्टैग स्टेज है क्या, स्टैग है अभी दारू के नाम में जाता है। मैकडॉवेल रॉयल इम्पीरियल ब्लू नंबर वन। ओ करण क्या जी, लिमिटेड देसी दारू। ये पूछो ना, ये इसके अंदर आया कैसे, इसको पहले भी करा नहीं है। ये रॉयल है तो क्या, हो जाएगा उधर, हो जाएगा ना भाई, यहीं पानी क्या भी यहीं तपस। ये ढक्कन, ये इसको ऐसा बता रहे गरम करके लगाते, अपने से तो लगना नहीं है। ए बता रहे बाबू, तुम्हारा बन गया था। अच्छा इसको ऐसा लगा दिया। नहीं ना भैया, ये लग गया, ये होगा पैक। ये शिवाजी नगर के कर्मचारी है, लेकिन अक्सर ये लेट डालते रहते हैं और कहीं ना कहीं इनको पता लगता है कि ये भी काम कैसा होता है। इन जैसे लोग दिखाते हैं तो मजबूरन हमको भी, आपको भी दिखाना पड़ रहा है। ये गलत है हमारा दिखाना। बारिश शुरू हो चुकी है, ये खैर का मामला है कि कहीं ना कहीं बारिश तो हो रही है। दुआ करें कि बारिश और कंटिन्यू रहे, पूरे विदर्भ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, पूरे भारत में अमन आफियत वाली खैर वाली बारिश हो जाए। ये सर्वे उस जगह का कर रहा है जहाँ पर शराबी ने शराब का, शराबी नहीं, वो तस्करों ने शराब का नकली माल छुपा रखा था। पुलिस मजबूर, ग्रामीण पुलिस स्टेशन की यहाँ पर गाड़ी पहुँची है और ये सब सामग्री जो है तो बरामद की जा रही है। लांडे साहब की मौजूदगी और आज ही मैंने ये देखी। देखिए सब मजबूर है पुलिस, भयंकर रेड, लोगों की जान से खिलवाड़, इसीलिए पुलिस भी बारिश में मजबूर हुई है। ये इतनी बारिश, ऐसा हाथ रखो ना ऊपर से, इतनी बारिश में भी पुलिस मजबूर, ग्रामीण पुलिस स्टेशन की यहाँ पर गाड़ी पहुँची है और ये सब सामग्री जो है तो बरामद की जा रही है। लांडे साहब की मौजूदगी, ये वो आरोपी है, इसके पास का मोबाइल और ये 200 रुपए यहाँ इसके मिले थे। ये 200 तेरे है अजी, 200 चाहिए अभी, 200 लेना, उन्होंने 400 लेना, 400 थे क्या आपके पास, तो 200 यहाँ आपके गिरे थे, वो मैंने आपको दे दिया है और मोबाइल भी दे दिया है, ठीक है। उन्होंने लेना, उन्होंने 200 लेना। हाँ हाँ, तो जिन्होंने भी लिए वो भी आपको दे देंगे, क्योंकि लिए नहीं, आपके पास मोबाइल और वो गिरा था, तो ये 200 रुपए जहाँ मेरे को मिले थे वो मैंने आपको दे दिए है और मोबाइल भी दे दिया। चलो धन्यवाद। ये मामला शिवाजी नगर का ना होते हुए ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए ग्रामीण की गाड़ी को बुलाया गया है और ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधीन दिया जाएगा। मामला बड़ा गंभीर और बारिश बिजलियों के साथ कार्रवाई जारी। इतनी बारिश में भी मजबूर है पुलिस कातिलों को पकड़ने के लिए, चोरों को, उचक्कों को पकड़ने के लिए। ये वो आरोपी है जो हैंडीकैप है, उसके साथ में पुलिस बैठ के जा रही है, क्योंकि मजबूरन हैंडीकैप वाली गाड़ी किसी को आती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये अब जो है तो शिवाजी नगर की गाड़ी, उसके पीछे है ग्रामीण पुलिस स्टेशन की गाड़ी। ये वो आरोपी साथ में जा रहे हैं। ये वो आरोपी है जो नकली शराब बना रहा था। आपने बिहार की अक्सर न्यूज़ देखी होगी, खबर देखी होगी कि नकली शराब से कितने लोग मरे हैं। ये तो महाराष्ट्र में भी ये कारोबार अब चालू हो गया है लोगों का। चलिए खबर खामगांव से देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खबर वही जो करे आप पर असर। देखते रहिए खबर खामगांव से।